माई लास्ट डचेस। माई लास्ट डचेस रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई पोयम है। ए विक्टोरियन पोइट। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे वो एक विक्टोरियन पोइट थे। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1842, 1849, 1863 बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये जो पोयम है ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा तीन बार पब्लिश कराई गई। पहले जो फर्स्ट टाइम पब्लिश कराई गई थी वो कराई गई थी 1842 में, सेकेंड 1849 में, एंड थर्ड 1863 में। जो फर्स्ट टाइम ये पोयम पब्लिश हुई थी 1842 में इन ड्रामेटिक लिरिक्स, तो ये जो पब्लिश हुई थी वो हुई थी ड्रामेटिक लिरिक्स में, और ड्रामेटिक लिरिक्स में जो थी 16 पोएम्स थी। ड्रामेटिक लिरिक्स वाज द थर्ड पार्ट ऑफ बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स। यानी कि ये जो बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स एक वर्क है, इसका थर्ड पार्ट था ड्रामेटिक लिरिक्स, और जिसमें कि ये पोएम पब्लिश हुई थी। ड्रामेटिक लिरिक्स में 16 पोएम पब्लिश हुई थी, जिनमें से एक पोएम माई लास्ट डचेस थी। और जो इसका नाम था, जो जब ये पहली बार पब्लिश हुई तो इसका नाम माई लास्ट डचेस नहीं था, बल्कि इसका नाम था फर्स्ट इटली। फर्स्ट इटली के नाम से ये पब्लिश हुई थी 1842 में। देन सेकंड टाइम ये इन 1849 में जब ये पब्लिश हुई तो ये पब्लिश हुई थी ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स में, और जब इसका नाम दिया गया था माई लास्ट डचेस फेरारा। तो इन 1849 में पब्लिश हुई थी ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स में। फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुई थी ड्रामेटिक लिरिक्स में, और सेकंड टाइम ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स में, और थर्ड टाइम इन 1863 ईस्वी में जब ये पब्लिश हुई विद द सेम टाइटल, यानी कि इसी टाइटल से माई लास्ट डचेस फेरारा के नाम से ही ड्रामेटिक रोमांसेस में। थर्ड टाइम ये पब्लिश हुई थी ड्रामेटिक रोमांसेस में। तो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी ये ड्रामेटिक लिरिक्स, सेकंड टाइम ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स, एंड थर्ड टाइम ड्रामेटिक रोमांसेस में। ये फाइव सेक्शंस में इस पोएम को डिवाइड किया गया है। हालांकि सबने अलग अलग अपने हिसाब से इसके सेक्शंस बनाए हैं, लेकिन फिर भी जो मेनली सेक्शंस है वो है 15 लाइन का फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन 9 लाइन, थर्ड सेक्शन 11, फोर्थ सेक्शन 11 लाइन, एंड फिफ्थ सेक्शन 10 लाइन। तो टोटल इसमें 56 लाइन है और 28 कपलेट्स हैं। ये कपलेट्स में लिखी गई है, जिसमें कि राइमिंग कपलेट्स हैं और आयमिक पेंटामीटर में लिखी गई है। राइमिंग कपलेट्स है और आयमिक पेंटामीटर में लिखी गई है, जिसे कि हीरोइक कपलेट भी बोलते हैं। यानी कि जब राइमिंग कपलेट्स को हम आयमिक पेंटामीटर में लिखते हैं तो इसे हीरोइक कपलेट भी कहा जाता है। नाउ इट इज़ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये क्या है? ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मोनोलॉग यानी कि जिसमें केवल एक ही स्पीकर होता है, तो इसमें भी एक ही स्पीकर है जो कि पूरी पोएम को बोलकर सुनाता है। पूरी पोएम में जो भी स्टोरी है उसको कहता है। तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और जिसका स्टाइल है वो इंटेंस है, और यू कैन से इंजैमेंट, यानी कि एक लाइन में बात पूरी नहीं होती, अपनी जो भी बात है, जो भी उस लाइन का अर्थ निकल रहा है वो अगली लाइन तक जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन एन इवेंट। ये एक घटना पर आधारित, एक इवेंट पर आधारित थी, यानी कि एक सच्ची घटना हुई थी जिस पर ये पोएम रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी थी। लॉर्ड अल्फोंसो सेकंड था, जो कि फेरारा का ड्यूक था, ड्यूक ऑफ फेरारा। तो उसकी जो एज 25, यानी कि जब उसकी एज 25 होती है तो उसकी शादी हो जाती है ल्यूक्रेजिया मेडिसी, जिसकी की उम्र उस समय केवल 14 ईयर्स थी, यानी कि वह उससे 11 ईयर्स छोटी थी। तो उसकी शादी लॉर्ड अल्फोंसो से हो जाती है, एंड सी डाइड एट द एज ऑफ 17 इन 1561, 1561 ईस्वी में जब उसकी उम्र होती है 17 ईयर्स तो वह मर जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो ये ल्यूक्रेजिया थी, ये बहुत ही मतलब एक जिंदा दिल लड़की थी, खुश दिल लड़की थी, जो कि हमेशा खुश रहती थी, और ये लॉर्ड अल्फोंसो को पसंद नहीं था। लॉर्ड अल्फोंसो जो था वो एक साइको, मतलब उस पर अपना पूरा पजेस रखता था, वो एक पजेसिव इंसान था, तो उसको पसंद नहीं था कि वह हंसती थी या वह खुश रहती थी। तो इट इज़ सेड डैट अल्फोंसो पॉइजन्ड हर। तो ऐसा कहा जाता है कि अल्फोंसो ने उसे पॉइजन दिया था, बिकॉज ही डिड नॉट ट्रस्ट हर, क्योंकि उसे उस पर विश्वास नहीं था, वह उस पर डाउट करता था, इसीलिए अल्फोंसो ने उसे पॉइजन दे दिया था। माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग फेरारा। ये जो पोएम स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है फेरारा का जो ड्यूक है वो एक पेंटिंग के बारे में बता रहा है, यानी कि उसके जो है शादी के लिए एक किसी ड्यूक का मैसेंजर आता है, तो वो उस मैसेंजर को अपने गैलरी में ले जाता है और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उसे अपने दिखाता है, और वहीं पर वो उसे एक पेंटिंग दिखाता है। तो वो बोलता है डैट इज़ माई लास्ट डचेस, यह है मेरी आखिरी रानी। माई लास्ट डचेस, मेरी आखिरी रानी, पेंटिंग ऑन द वॉल, जो कि इस दीवार पर पेंट हुई है, यानी कि जिसकी पेंटिंग इस दीवार पर है, ये मेरी आखिरी रानी है, माई लास्ट डचेस है। लुकिंग एज इफ सी वर अलाइव, लुकिंग एज देखो, एज इफ मानो सी वर अलाइव, वह जीवित हो, यानी कि वह ऐसी लग रही है कि मानो वह यहाँ पर
जीवित खड़ी हो, उसकी कोई पिक्स ना हो, बल्कि वो खुद यहाँ पर खड़ी हो, ऐसा लग रहा है। आई कॉल डैट पीस ए वंडर नाउ, और अब मैं आई कॉल मैं बोलता हूँ डैट पीस, इस पीस को ए वंडर, एक बहुत ही अच्छा कार्य, यानी कि एक वंडरफुल पेंटिंग है जो मैं इसे बोल रहा हूँ। फ्रा पेंडोल्फ हैंड्स वर्क बिजिली ए डे, अभी जो ये फ्रा पेंडोल्फ है ये कौन है, ये पेंटर है जिसने कि उसकी पेंटिंग बनाई है। तो यहाँ पर ड्यूक बोलते हैं कि फ्रा पेंडोल्फ का जो हैंड्स थे, फ्रा पेंडोल्फ जो थे, वर्क बिजिली ए डे, उसने पूरा एक दिन तक कार्य किया था इस पेंटिंग को बनाने में, उन्होंने अपना पूरा दिन लगा दिया था, यानी कि एक ही दिन में उन्होंने ये पेंटिंग बना दी थी। एंड देयर सी स्टैंड्स, और अब यह पेंटिंग यहाँ पर खड़ी है। विल इट प्लीज़ यू सिट एंड लुक एट हर, अब जो ड्यूक है वो उस मैसेंजर से बोलता है विल इट प्लीज़ यू सिट, कि क्या तुम बैठोगे कृपया, या फिर कृपया तुम बैठ जाओ, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन एक तरह से वो उसको कमांड दे रहा है। ये जो ड्यूक था ये बहुत ही पजेसिव इंसान था, तो ये बोलता है कि क्या तुम बैठोगे एंड लुक एट हर, और उसकी ओर देखोगे। आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिज़ाइन, मैंने जो फ्रा पेंडोल्फ का नाम लिया वो किसी उद्देश्य से लिया है, किसी कारण से लिया है। फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू डैट पिक्चर्स काउंटेनेंस, क्योंकि तुम्हारे जैसे जो स्ट्रेंजर्स है, जो तुम्हारे अजनबी, तुम्हारे जैसे जो अजनबी लोग होते हैं, डैट पिक्चर, जो कि इस पिक्चर को देखते हैं, काउंटेनेंस, काउंटेनेंस होता है जो फेस होता है, यानी कि एक चेहरा, जो इसके चेहरे पर द डेफ्ट गहराई एंड पैसन ऑफ इट्स अनेस्ट ग्लांस, यानी कि जो इसकी ग्लांस है, जो ये दिख रही है, इसमें जो डेप्थ है, जो पैसन है, जो तुम्हारे जैसे स्ट्रेंजर्स है वो इस पिक्चर को देखते हैं। बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड, तो वे मेरी तरफ मुड़ते हैं, यानी कि अब वो उसे बोल रहा है कि जैसे तुम इस पिक्चर को देख रहे हो, इस पेंटिंग को तुम देख रहे हो, इस पेंटिंग के जो चेहरे पर डेप्थ है, जो पैसन है, और जो इसके ग्लांस है, यानी कि जो इसमें चमक है, वो तुम उसे देख रहे हो, तो तुम अब मेरी तरफ मुड़ोगे, यानी कि जो भी लोग इसे देखते हैं वो इसी तरह मेरी तरफ मुड़ते हैं। अब ब्रैकेट में जो है, सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, यानी कि वो बोलता है कि जो कर्टेन्स मैंने तुम्हारे लिए हटाए हैं, यानी कि ये पेंटिंग मैंने तुम्हें दिखाई है, इसके कर्टेन कोई नहीं हटा सकता सिवाय मेरे, केवल मैं ही ये पर्दे हटा सकता हूँ और तुम्हें यह पेंटिंग दिखा सकता हूँ। अभी अपनी पूरी लाइन करते हैं, जैसे बट टू माई सेल्फ दे टर्न, यहाँ से हमने की थी बट टू माई सेल्फ दे टर्न, यानी कि वे मेरी ओर मुड़ते हैं, क्यों मुड़ते हैं। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी, और ऐसा प्रतीत होता है, और ऐसा प्रतीत होता है दे वुड आस्क मी, कि वे मुझसे पूछेंगे। इफ़ दे डर्स्ट, यदि उनमें हिम्मत हुई, यानी कि अगर वे हिम्मत कर पाते तो वे मुझसे पूछते, या वे अगर यदि वे हिम्मत कर पाते हैं तो ही मुझसे पूछ पाते हैं। हाउ सच ए ग्लांस केम देयर, कि इतनी चमक उसके ऊपर कहाँ से आई। नोट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, केवल तुम ही वे पहले व्यक्ति नहीं हो, नोट द फर्स्ट आर यू, तुम ही पहले व्यक्ति नहीं हो टू टर्न, जो कि मुड़े एंड आस्क दस, और ये पूछना चाहते हो। यानी कि यहाँ पर क्या है, ड्यूक अपने आप ही सवाल कर रहा है और अपने आप ही जवाब भी दे रहा है। वो मतलब वो ये भी जानता है कि वो मैसेंजर अब उसे क्या पूछने वाला है, तो वो खुद ही बोल देता है कि केवल तुम ही नहीं, जो भी स्ट्रेंजर इस पेंटिंग को देखता है, उसके चेहरे की जो चमक को देखता है, तो वो मुड़कर मुझसे यही पूछना चाहता है। हालांकि वे हिम्मत नहीं कर पाते मुझसे पूछने की, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि वे पूछना चाहते हैं कि इसके चेहरे पर इतनी चमक ये कहाँ से आई। तो अब वो उसका आंसर देता है, सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, कि श्रीमान ये केवल उसके हस्बैंड की प्रेजेंस नहीं थी, यानी कि उसके हस्बैंड का ये नहीं था कि उसके हस्बैंड प्रेजेंस थे, इसीलिए उसके चेहरे पर इतनी जो थी वो इतनी ग्लांस थी। कोल्ड द स्पॉट ऑफ जॉय इन टू द डचेस चीक, यानी कि जो स्पॉट ऑफ जॉय है, जो ये खुशी के जो कलर्स इसके गालों पर दिखाई दे रहे हैं, इन टू द डचेस चीक, डचेस के जो गालों पर ये जो स्पॉट ऑफ जॉय तुम देख सकते हो, ये इसलिए नहीं थी कि उसका हस्बैंड वहाँ पर प्रेजेंट था, यानी कि उसकी जो पेंटिंग बनाई जा रही थी, तो तब उसका प्रेजेंट वहाँ उसके सामने था और उसको देखकर उसके चेहरे पर इतनी लालिमा आ गई हो, ऐसा कुछ नहीं था। परहैप्स हो सकता हो फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से, फ्रा पेंडोल्फ ने उसे कहा हो, हर मेंटल लैप्स, कि उसका शोल, मेंटल लैप्स होता है शोल, ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, कि तुम्हारे जो रिस्ट है, तुम्हारी कलाई है जो, उस पर बहुत ज़्यादा ढका हुआ है, यानी कि तुम्हारी कलाई को, तुम्हारी रिस्ट को, तुम्हारे सोल ने बहुत ज़्यादा ढक रखा है। हो सकता है फ्रा पेंडोल्फ ने ये कहा हो, और पेंट, या फिर कहा हो, पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोथ, यानी कि जो मेरा पेंट है, जो मेरे कलर है, मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस, ये कभी इस तरह का दोबारा नहीं बना सकते, या इस तरह का रंग इस पेंटिंग में नहीं ला सकते। द फेंट हाफ ब्लस, द फेंट हाफ ब्लस, यानी कि जो उसके चेहरे पर है, डेट डाइज अलोंग हर थ्रोट, जो कि उसके गालों, सॉरी, जो किसके थ्रोट, यानी कि गर्दन तक जो लालिमा छाई हुई है, जो गर्दन तक उसके लाल कलर छाया हुआ है, यानी कि वो जब खुश होती है तो उसके पूरा चेहरा जो है वो एक
लाल हो जाता है, तो जिस तरह उसका चेहरा खुश है उस तरह का रंग भी कभी भी वह कोई पेंटिंग में नहीं बना सकता। यानी कि हो सकता है उसने ऐसी बात कही हो, सच स्टॉप वॉच कोर्सी, ये केवल छोटी सी बात है, यानी कि ये बेकार की बात है, सी थॉट एंड कोज एनफ, लेकिन उसके लिए यही बहुत पर्याप्त थी फॉर कॉलिंग अप डैट स्पॉट ऑफ जॉय, वह खुशी लाने के लिए। यानी कि जो स्पॉट ऑफ जॉय हम उसके चेहरे पर देख रहे हैं वो उसके लिए सिर्फ छोटी सी ही बात थी, उसी से वो खुश हो जाती थी। यानी कि अगर उसकी कोई जरा सी भी, यहाँ पर जो ड्यूक कहना चाहता है कि अगर कोई उसकी जरा सी भी प्रेस कर दे डचेस के बारे में, जरा से भी कोई अच्छी बात कह दे, तो वो उसी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करती थी। तो केवल ये नहीं कि मैं वहाँ पर प्रेजेंट था इसलिए वो खुश थी, वो तो किसी भी चीज़ से खुश हो जाती थी। सी हैड ए हर्ट, हाउ शैल आई से, उसके पास एक ऐसा दिल था, सी हैड ए हर्ट, उसके पास एक दिल था, हाउ शैल आई से, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ या मैं कैसे कहूँ, टू सून मेड ग्लैड, बहुत जल्दी खुश हो जाता था, टू ईजिली इम्प्रेस्ड, बहुत जल्दी वो इम्प्रेस हो जाता था, यानी कि किसी भी चीज़ से वो इम्प्रेस हो जाता था, वो किसी भी चीज़ से खुश हो जाता था। सी लाइक्ड वट एवर सी लुक ऑन, सी लाइक्ड वट एवर, उसे सब चीज़ें पसंद आती थी, सी लुक ऑन, वह जिस भी चीज़ों को देखती थी, यानी कि वो जो भी चीज़ें देखती उसको वही चीज़ पसंद आ जाती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और उसका जो लुक्स था, उसकी जो आंखें थी, वो हर जगह घूमती रहती थी, यानी कि वो हर चीज़ को देखती थी और जो भी चीज़ वो देखती थी उसी से वह खुश हो जाती थी। सर इट वॉज ऑल वन, उसके लिए सब चीज़ें एक थी, इट वॉज ऑल वन, सब चीज़ें एक थी। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, जो मेरा फेवर था, यानी कि जो मैंने उसे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स दिए थे जो अपने उसने अपने ब्रेस्ट पर पहने हुए थे, यानी कि एक तरह से जो गहने मैंने उसे दिए थे, कीमती जो हीरे जवाहरात मैंने उसे दिए थे जो कि उसने पहने हुए थे, वो भी उसके लिए वही चीज़ थी। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, यहाँ तक कि वो जो डे लाइट इन द वेस्ट, यानी कि पश्चिम में जब सूरज छिपता था उसकी जो किरणें आती थी उसको भी देखकर वो, उसकी जो डे लाइट यानी कि जो प्रकाश लालिमा छाती थी उसको भी देखकर वो खुश हो जाती थी। द बो ऑफ चेरीज, और जो वोव्स है, टहनियाँ हैं, ऑफ चेरीज, चेरी की जो टहनियाँ हैं, सम ऑफिशियस फूल, कुछ मूर्ख लोग जो कि उसके एडमायरर थे यानी कि जो उसके प्रशंसक थे, ब्रोक इन द ऑर्चार्ड फॉर हर, उसके लिए तोड़ देते थे इन द ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड होता है जो फ्रूट्स के, जो फलों के जो बगीचा होता है, फ्रूट गार्डन होता है, वहाँ से फॉर हर उसके लिए, यानी कि अगर उसके कुछ एडमायरर जो उसके मूर्ख एडमायर थे, मूर्ख प्रशंसक थे, यदि वे उसके लिए फलों के बाग से चेरी की एक डाल तोड़ लाए, चेरी की टहनी भी तोड़ लाए, तो भी वह खुश हो जाती थी। द व्हाइट म्यूल सी रोड विद राउंड द टेरेस, और उस सफ़ेद खच्चर पर बैठकर भी, म्यूल जो होता है खच्चर के टाइप एक एनिमल होता है, तो वो म्यूल पर जब बैठती थी सी रोड, यानी कि उस पर चढ़ती थी, उस पर जो राइडिंग करती थी, विद राउंड द टेरेस, टेरेस के चारों ओर वह उस पर राइडिंग करती थी, तो भी वह खुश हो जाती थी। ऑल एंड ईच वुड ड्रा फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, ऑल एंड ईच, यानी कि कोई भी चीज़ हो, ऑल माने सब चीज़ या ईच या कोई भी चीज़ हो, वुड ड्रा फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, कोई भी चीज़ उससे अप्रूविंग स्पीच कर लेती थी, यानी कि वह किसी भी चीज़ की प्रशंसा कर देती थी। उसे यही नहीं पता था कि उसे किस चीज़ की प्रशंसा करनी है, उसे तो सभी चीज़ें अच्छी लगती थी। और ब्लस, या फिर वह खुश हो जाती थी, यानी कि वह किसी भी चीज़ को देखकर खुश हो जाती थी, कोई भी चीज़ उसकी अटेंशन ड्रॉ कर सकता था, उसकी जो प्रेजिंग, जो उसकी स्पीच है, जो प्रेजिंग उसके वर्ड्स है, वो कोई भी चीज़ उस ड्रॉ कर सकता था। और ब्लस एटलीस्ट, या फिर वो खुश हो जाती थी, यानी कि या तो वो उस चीज़ की प्रशंसा कर देती थी, कोई अगर कोई चीज़ देता था उस व्यक्ति को, वह अच्छे अच्छे शब्द बोल देती थी, या फिर वह खुश हो जाती थी, यानी कि उसके सामने ब्लश कर देती थी। सी थैंक्ड मैन, वह लोगों को धन्यवाद देती थी, गुड, अच्छी बात है, धन्यवाद देना अच्छी बात है, बट थैंक्ड सम हाउ, लेकिन वह उन्हें धन्यवाद देती कैसे थी, आई नो नॉट हाउ, मुझे नहीं पता कि कैसे देती थी, एज इफ मानो सी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ ए 900 ईयर्स ओल्ड नेम, मानो कि उसने एक कर दिया हो, सी रैंक्ड, यानी कि उसने उन लोगों को भी वही रैंक दे दी हो जितनी कि माई गिफ्ट, मेरा उपहार था उसे, ऑफ ए 900 ईयर्स ओल्ड नेम, यानी कि मेरा जो 900 साल पुराना नाम है, यहाँ पर वो जो अपने मतलब खानदान की बात कर रहा है एक तरह से, जो उसका 900 साल पुराना जो उसके जो राज्य था उसका जो नाम था, यानी कि जो मैंने उसे दिया है, इस बात पर उसका मतलब एक प्राउडनेस दिखाई दे रहा है कि वो कितना प्राउड करता है या कितना घमंडी है वो इस चीज़ को लेकर कि उसका बहुत बड़ा नाम है। तो वो क्या करती थी कि वो जो मेरा नाम मैंने उसे दिया है, मैंने जो उसे इतनी इज्जत दी है, विद एनीबडीज गिफ्ट, किसी भी व्यक्ति के गिफ्ट से वह उसका मतलब उसको एक समान ही वो समझती थी, उसे ऐसा नहीं लगता था कि मेरा गिफ्ट कितना बड़ा है, उसके लिए तो सभी उपहार एक जैसे थे, चाहे मेरा ये 900 साल पुराना नाम हो या फिर किसी भी व्यक्ति का कोई भी गिफ्ट हो।
हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस शॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग. हु वुड स्टूप टू ब्लेम, यानी कि कौन अपनी डिग्निटी को इतना लो करेगा, कौन अपने मान सम्मान को इतना नीचा गिराएगा दिस शॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, इस प्रकार के कार्यों के लिए, यानी कि जिस प्रकार के कार्य वह करती थी तो उस प्रकार के कार्यों के लिए कौन अपने सम्मान को इतना गिराएगा. कैसा सम्मान, यानी कि वो बोलना चाह रहा है इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, भले ही तुम्हारे पास कितनी भी बोलने की स्किल हो, तुम बोल सकते हो, विच आई हैव नॉट, जो कि शायद मेरे पास नहीं है. टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन, यहाँ पर जो सच एन वन है ये उस लेडी के लिए कहा गया, यानी कि उस डचेस के लिए कहा गया, और यहाँ पर ये बड़े पन तरीके से बोला, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि इतनी फूल लेडी, इतनी मूर्ख लेडी के लिए को, हालांकि तुम्हारे पास भले ही इतनी स्किल हो कि तुम अपने विल को, अपनी इच्छा को उसे बता सको, उसके सामने क्लियर कर सको, तुम उसके सामने, उस मूर्ख लेडी के सामने तुम बोल सको क्या, एंड से मतलब बोल सको जस्ट दिस और डैट इन यू डिस्कस्ट मी, कि तुम्हारे अंदर जो ये या वो चीज़ें हैं, दिस और डैट, ये तुम्हारे अंदर जो भी चीज़ें हैं इन यू डिस्कस्ट मी, ये मुझे डिस्कस्ट करती है या मुझे अच्छी नहीं लगती. हेयर यू मिस, यहाँ पर तुम्हारे में ये फॉल्ट है या तुम्हारे में अंदर ये कमी है, और दे आर एक्सीड द मार्क, या फिर तुम्हारे अंदर इस चीज़ की अधिकता है, यानी कि तुम ये ज़्यादा ही लिमिट पार कर रही हो. माना कि हो सकता है कि तुम्हारे पास स्किल हो कि तुम उसे बता सको कि तुम्हें ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, यानी कि मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, हो सकता था कि मैं उसे बता सकता, हालांकि मैंने उसे बताया नहीं. एंड इफ़ सी लेट हर सेल्फ बी लेसन सो, और हो सकता है कि वह अपने आप को सुधार सकती, अपने आप को सिखा सकती, नोर प्लेनली सेट हर विट टू योर्स, या ये भी हो सकता है कि वो तुमसे विट कर सकती, यानी कि तुमसे आर्ग्यू कर सकती. फोर सोथ एंड मेड एक्सक्यूज, वह कोई बहाना बना सकती अचानक से, मतलब वह कोई बहाना बना देती, या फिर वो तुमसे आर्ग्यू भी कर सकती थी, यानी कुछ भी हो सकता है. हो सकता है कि वो अपने आप को सुधार भी सकती थी. एवन देन वुड बी सम स्टूपिंग एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, लेकिन फिर भी ये अपनी डिग्निटी को लो करना है, यानी कि वो इसमें भी अपनी इज्जत कम मान रहा है, कम होना मान रहा है, कि अगर ये वह उसे बोल पाता, यानी कि वह उसे बोलता कि तुम ये सब मत करो, तो उसमें भी वो उसे लग रहा है कि वह उसे क्यों कहे, इसमें भी उसकी डिग्निटी लो हो रही है. यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, और मैंने अपनी डिग्निटी को, अपने मान सम्मान को नीचा करना नहीं चाहा. यानी कि इतना घमंडी इंसान इसमें दिखाया गया है कि वो अपनी वाइफ से ये भी नहीं बोल सकता कि उसे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, उसमें भी उसे लगता है कि उसकी इज्जत घट जाएगी. ओ सर सी स्माइल्ड, नो डाउट, श्रीमान वह हंसती थी, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, वह हंसती थी. व्हेन एवर आई पास, जब भी मैं उसके पास से गुजरता था, यानी कि जब भी मैं उसके पास से गुजरता था वह मुझे देखकर हंसती थी. बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन ऐसा कौन है जो उसके पास से गुजरा हो और वो न हंसी हो. यानी कि वो कहना चाहता है कि उसके पास से कोई भी गुजरे तो वह उससे स्माइल देती थी, सेम स्माइल देती थी जैसे कि वह मुझे दे देती जब मैं उसके पास से जाता था. दिस ग्रू, और ये जो चीज़ें हैं उसकी ये बढ़ती ही जा रही थी, यानी कि ये सब चीज़ें उसकी बढ़ती ही जा रही थी. आई गेव कमांड्स, इसलिए मैंने ऑर्डर दे दिया, कमांड्स दे दी. देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, और उसकी जितनी भी स्माइल्स थी वो एक साथ रुक गई. इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उसे मारने का ऑर्डर दे दिया. देयर सी स्टैंड एज इफ अलाइव, और अब वो यहाँ पर खड़ी है मानो वह जिंदा हो. इसका मतलब है कि ड्यूक ने उसे मरवा दिया और उसकी पेंटिंग बनाकर दीवार पर लगा दी जैसे कि वह जिंदा हो. विल इट प्लीज यू राइज, अब जो ड्यूक है वो उस मैसेंजर से बोलता है विल इट प्लीज यू राइज, कि क्या अब तुम उठोगे, मतलब कि मेरी कहानी पूरी हो गई, मैंने तुम्हें बता दिया कि मैंने अपनी डचेस के साथ क्या किया, तो अब तुम उठ जाओ, उठो. वी विल मीट द कंपनी बिलो, और हम नीचे चलकर लोगों से मिलते हैं. देन आई रिपीट, आई रिपीट यानी कि मैं दोबारा बोलता हूँ द काउंट योर मास्टर्स नोन म्यूनिफिसेंस. अब देखना ये ड्यूक क्या कहना है, मतलब बातों ही बातों में ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो तुम्हारा मास्टर्स है द काउंट योर मास्टर, जो तुम्हारे मास्टर है द काउंट नोन, वो जाने जाते हैं म्यूनिफिसेंस अपनी जो जेनरेसिटी के लिए, अपनी दयालुता के लिए, इज एम्पल वॉरेंट, और जो उनकी दयालुता है वो ही पर्याप्त है. डेट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइंड फॉर डॉवरी, कि मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है दहेज के लिए, यानी कि तुम्हारी जो, वो अब उससे दहेज भी मांग रहा है और ये दिखा रहा है कि मुझे दहेज नहीं चाहिए. तो वो क्या कहता है कि मुझे पता है कि जो तुम्हारा जो मास्टर है, जो तुम्हारे मास्टर द काउंट है, वो अपनी दयालुता के लिए, अपनी जेनरसिटी के लिए जाने जाते हैं और वो मुझे दहेज देंगे, यानी कि उनकी दयालुता ही काफ़ी है, वो ये एक वारंटी है कि हाँ वो मुझे दहेज देंगे, वो ही पर्याप्त है, मैं अपने मुँह से नहीं मांगूंगा. ऑफ माइंड फॉर डॉवरी विल बी डिसअलाउड, मतलब मुझे पता है कि वो मुझे दहेज देंगे भले ही मैं मना कर दूँ. विल बी डिसअलाउड यानी कि मैं मना कर दूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो दहेज मुझे देंगे. दाउ हिज फेयर डॉटर सेल्फ,
हालांकि जो उनकी सुंदर लड़की है वो खुद ही एज आई अवॉर्ड, जैसा कि मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, अवॉर्ड मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, एट स्टार्टिंग शुरू में ही इज माई ऑब्जेक्ट, वही मेरा उद्देश्य है। यानी कि मुझे तो केवल उनकी सुंदर लड़की ही चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि वो दहेज जरूर देंगे। ने वी विल गो, अब यहाँ पर जो है वो उसे बोलता है कि नहीं, वी विल गो टुगेदर डाउन, हम दोनों साथ ही नीचे चलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मैसेंजर है वो खड़ा हो जाता है और मतलब उसे आगे जाने के लिए कहता है कि ड्यूक को बोलता है कि मतलब आगे चलो, तो ड्यूक उसे बोलता है कि नहीं नहीं हम साथ ही चलेंगे। सर श्रीमान नोटिस, देखो, अब उसे एक और पेंटिंग दिखाता है, नेपच्यून, इस सी, जो नेपच्यून है वो एक सी गॉड है, यानी कि समुद्र का जो देवता, समुद्री देवता है नेपच्यून। दाउ टेमिंग ए सी हॉर्स, देखो उसने कैसे एक समुद्री घोड़े को अपना पालतू बनाया हुआ है, यानी कि जो समुद्री जो देवता है उसने समुद्री घोड़े को अपना को कंट्रोल किया हुआ है। दउ ए रेयरिटी, ये जो पेंटिंग है ये बहुत ही रेयर है, यानी कि ये बहुत ही महंगी है, ये बहुत ही मुश्किल से मिलती है। विच क्लोज ऑफ इंसब्रक, जो एक क्लोज ऑफ इंसब्रक है, ये जो है ये एक ग्रेट पेंटर है, कास्ट इस बनाई है इन ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में, फॉर मी, मेरे लिए, यानी कि इस पेंटिंग को, ये बहुत ही रेयर पेंटिंग है और क्लोज ऑफ इंसब्रक ने ये केवल मेरे लिए ही बनाई है ब्रॉन्ज में। तो यहाँ पर भी मतलब वो अपनी जो है अपनी एक तरह से पर्सनैलिटी को दिखा रहा है, यानी कि वो दिखाना चाह रहा है कि जिस तरह समुद्री जो देवता है उसने समुद्री घोड़े को अपने काबू में किया हुआ है, अपना पालतू बनाया हुआ है, इसी तरह मैंने भी अपनी डचेस को अपने काबू में मैं करना चाहता था। यहाँ पर भी वो अपनी पर्सनैलिटी ही दिखा रहा है और अपना वही अपनी जो मतलब धन दौलत के वो दिखा रहा है कि ये जो पेंटिंग है ये बहुत ही रेयर है और ये मेरे लिए बनाई गई है। तो यहाँ पर उसकी थोड़ी सी प्राउडनेस जो है वो भी हमें शो होती है।